महाकाल मंदिर में शनिवार रविवार को श्रद्धालुओं की तो भीड़ अधिक रही, वीआईपी भी दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। इस दौरान दिन भर गर्भगृह से दर्शन व्यवस्था रखी गई, लेकिन शाम को संध्या पूजा से पहले जब प्रवेश बंद करने का समय हुआ तो लाइन में खड़े श्रद्धालु नाराज हो गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुजारियों ने स्वयं के लिए सुरक्षा की मांग मंदिर समिति से कर डाली। शाम 5 बजे प्रतिदिन महाकाल की संध्या पूजा का समय निर्धारित है। इससे पहले गर्भगृह खाली कराया जाता है तथा आम प्रवेश रोक दिया जाता है। मंदिर में सुबह से ही अधिक भीड़ के बावजूद समिति ने दर्शन व्यवस्था अंदर से ही जारी रखी थी। शाम को संध्या पूजा के चलते प्रवेश रोका तो कुछ श्रद्धालु अंदर जाने से रोकने के कारण नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। सूचना मिलने पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी आर के तिवारी प्रोटोकॉल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत कर समझाइश देने के बाद उन्हें नदी हॉल में बैठा कर दर्शन कराए। उज्जैन में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल सम्मेलन के चलते मंदिर में दिन भर कई वीआईपी का भी आना जाना लगा रहा, जिसके चलते यहां भक्त देर तक हंगामा करते रहे। हालांकि हंगामा कर रहे लोगों को पुजारियों ने भक्त मानने से इनकार करते हुए इन्हें असामाजिक तत्व बताया और स्वयं के लिए सुरक्षा की मांग कर डाली। ये भक्तों का काम नहीं लगता है, दर्शनार्थियों में भक्तों के बीच में कुछ असामाजिक भक्त बन के आते हैं और मंदिर की व्यवस्था को ध्वस्त करते हैं। इस पर पूरी तरह से मंदिर प्रशासन को रोक लगाना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पुजारी बैठते हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व आज तक कोई ने नहीं लिया है। यदि कल से पुजारी के ऊपर किसी प्रकार का हमला होता है या पुजारी के ऊपर यदि जनता हमला करती है और उनको क्षति होती है तो उन्हें कौन बचाएगा और उनकी सुरक्षा क्या होगी, इस पर ये प्रश्न चिन्ह है। इस पर विचार होना चाहिए और मंदिर समिति को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और प्रवेश कैसे बंद हो उसकी एक आचार संहिता बननी चाहिए। महाकाल मंदिर में मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक अवधेश शर्मा ने हाल ही में आम श्रद्धालुओं को सूचना देने के लिए पुलिस चौकी स्थित सत्कार कक्ष को सूचना केंद्र में तब्दील कर दिया है तथा इसके बाहर सूचना केंद्र का बोर्ड भी शनिवार को लगवा दिया गया। लेकिन मजे की बात ये रही कि यहां श्रद्धालु जब जानकारी लेने पहुंचे तो उन्हें समिति की ओर से कोई जवाबदार व्यक्ति जानकारी देने वाला उपलब्ध नहीं मिला। बताया जाता है कि समिति ने अभी सूचना केंद्र पर जानकारी देने के लिए किसी की जवाबदारी ही तय नहीं की है और इसे चालू कर दिया गया। एक दो दिन में इसके आदेश जारी होंगे, लेकिन केंद्र खुलने के पहले दिन ही लोग सूचना के अभाव में परेशान होते दिखाई दिए।